सब्सक्राइब कीजिए मार्केट माएस्ट्रो चैनल को और बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको हमारे सारे नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिल जाए। तो यहाँ पर हम देखते हैं भाई टॉप 5 बैलेंस फंड एक एक करके कि कौन से बैलेंस फंड है जो पिछले 10 साल 5 साल से यहाँ पर टॉप करते आए हैं और आगे भी यहाँ पर इनके टॉप रैंक पे रहने की पूरी पूरी संभावना है। तो सबसे पहला जो फंड आता है, हमें से सारे ही लोग यहाँ पर लगभग लेते हैं, कॉमन सा फंड है, सब नाम जानते हैं, वो यहाँ पर है HDFC का बैलेंस फंड। अब यहाँ पर मैं कुछ आपको बेसिक डिटेल बता देता हूँ। अगर आप यहाँ पर इस फंड को परचेस करना चाहते हैं तो आप HDFCfund.com इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है AMCs की, आप वहाँ से जाके डायरेक्टली इसको जो है परचेस कर सकते हैं। लॉन्च हुआ था ये 2000 में। जो बेंचमार्क बनाकर चलता है ये है भाई क्रिसिल बैलेंस फंड, एग्रेसिव टाइप इसका है, ओपन एंडेड। इन्वेस्टमेंट डिटेल की यहाँ पर बात करूँ तो जो रिटर्न इसको यहाँ पर मिला है वो यहाँ पर 17.04 है, यानी कि 2000 से लेके अभी क्या 2017 चल रहा है और अभी तक इसने जो है 17% का रिटर्न निकाल कर दे दिया है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट यहाँ पर है 5000 रुपये। अब ये क्या है मिनिमम इन्वेस्टमेंट, लोगों को बहुत कन्फ्यूजन रहता है। तो भाई ये जो है वो लमसम है, आप यहाँ पर 1000 रुपये के SIP के साथ भी यहाँ पर शुरू कर सकते हैं, 500 रुपये के SIP भी, आप यहाँ पर मिनिमम SIP इन्वेस्टमेंट 500 है इस फंड में तो आप बिल्कुल शुरू कर सकते हैं। और अगर आप उसमें भी अगर SIP में एडिशनल यहां पर पैसा लगाना चाहते हैं तो आप वो यहां पर 1000 रुपए यहां पर डाल सकते हैं। एग्जिट लोड की बात करूं तो वही जनरल एग्जिट लोड यहां पर 1% का रहता है। अब हम यहां पर अगर फंड्स के कुछ परफॉर्मेंस की बात करें तो भाई यहां पर जो 3 साल 5 साल में जो रिटर्न इसने दिया है 14.27, 19.14 और 10 साल में 14.71। और वहीं पर अगर हम कैटेगरी की बात करें तो यहां पर जो कैटेगरी है यानी कि सारे ही फंड्स का एक एवरेज ले लो वो 11.83, 15.81 और 10 साल में 9.10। तो यहां पर ध्यान की बात यह है कि अपने कैटेगरी को यहाँ पर कैटेगरी से बहुत ही ज़्यादा रिटर्न यहाँ पर निकाल कर दे रहा है और ये एक बैलेंस फंड है और पिछले 10 साल में लगभग यहाँ पर 15% रिटर्न आपको दिया है। बैलेंस फंड यानी कि आपका जो पैसा है वो आधा यहाँ पर डेट में भी लग रहा है। यहाँ पर अगर HDFC बैलेंस फंड के कुछ रिस्क मेजर की यहाँ पर बात करें, बहुत सारे लोगों को यहाँ पर कंफ्यूजन भी रहता है, तो सबसे पहला स्टैंडर्ड डेविएशन। अब भाई स्टैंडर्ड डेविएशन जितना कम हो उतना अच्छा है क्योंकि वो वॉलेटिलिटी कम रहता है, हाँ आपको रिटर्न थोड़ा कम मिलेगा लेकिन आपको जो है रिस्क भी कम रहेगा। तो स्टैंडर्ड डेविएशन 10.32 है यहाँ पर फंड का। शार्प रेशो की बात करूँ तो यहाँ पर 0.89 है। अब शार्प रेशो क्या होता है, शार्प रेशो भाई यहाँ पर सिर्फ काम में आता है दो फंड एक कैटेगरी के सिर्फ यहाँ पर मेजर करने के कंपेरिजन करने के काम में नहीं आता। जिसका शार्प रेशो ज्यादा वो फंड यहां पर अच्छा, तो ये बोलते हैं, तो वो सिर्फ दो फंड को आपको मेजर करना है एक कैटेगरी है तब वो काम में आएगा। बीटा की यहां पर बात करें तो बीटा है 0.88, एक से कम है बीटा, यानी कि काफी अच्छा है, रिस्क काफी कम है फंड में और यहां पर बैलेंस फंड का यहां पर बीटा एक से कम होना भी चाहिए। वहीं पर अगर यहां पर अल्फा की बात करूं तो यहां पर अल्फा है 6.31। अल्फा क्या होता है कि कितना ज्यादा आपको यहां पर रिटर्न मिला है, तो अल्फा काफी अच्छा है यहां पर बैलेंस फंड के हिसाब से, यहां पर 6.31 ठीक ठाक है। कैटेगरी के यहां पर बात करूं तो स्टैंडर्ड डेविएशन 9.32, शार्प रेशो 0.73, बीटा 0.77 और अल्फा यहां पर है 4.02। जो दूसरा फंड आता है यहाँ पर वो आता है टाटा बैलेंस फंड। अब ये भी काफ़ी फेमस फंड है और यहाँ पर कुछ बेसिक डिटेल की यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर जो फंड हाउस है वो है भाई टाटा म्यूचुअल फंड। लॉन्च हुआ था 1995 में, काफ़ी पुराना फंड है। बेंचमार्क की अगर बात करूँ तो क्रिसिल बैलेंस फंड एग्रेसिव टाइप यहाँ पर है, ओपन एंडेड। इन्वेस्टमेंट डिटेल की अगर यहाँ पर बात किया जाए तो यहाँ पर जो रिटर्न आपको यहाँ पर कुछ मिला है 16.34, यानी कि जब से फंड चालू हुआ है तब से लेके आपको 16% का रिटर्न यहाँ पर निकाल के दिया है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट, बहुत सारे लोग को कन्फ्यूज़न है, बार बार बोल रहा हूँ 5000 मिनिमम इन्वेस्टमेंट है, वो लमसम है, यानी कि आप अगर इकट्ठा पैसा डालते हो तो अगर आप SIP कराना चाहते हो तो आप 500 रुपये के साथ यहाँ पर शुरू करा सकते हैं। उस SIP में अगर और आप पैसा डालना चाहते हैं तो आप यहाँ पर मिनिमम आपको 1000 रुपये और एक्स्ट्रा डालना पड़ेगा। एग्जिट लोड की बात करें तो लगभग सारे फंड में यही होता है, 1% का एग्जिट लोड लगता है। अगर आप यहाँ पर पैसा देते हैं और पैसा को वापस निकाल लेते हैं 1 साल के पहले ही तो फिर आपको 1% का एग्जिट लोड यहाँ पर देना पड़ेगा। फंड की अगर यहाँ पर कुछ परफॉर्मेंसेस की बात करें तो 5 साल 10 साल की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर 5 साल में आपको मिलता है 17% का रिटर्न और 10 साल में आपको मिलता है 11.2% का रिटर्न। तो अगर आप देखोगे कि कैटेगरी के यहाँ पर आसपास है जो टाटा का बैलेंस फंड है वो, यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ रिस्क मेजर की तो यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन है 10.82 का, शार्प रेशियो यहाँ पर 0.64, बीटा 0.90, एक से कम है, यानी कि यहाँ पर जो रिस्क है वो भी काफी कम है। अल्फा की बात करूं तो 4.02। अब यहां पर कैसे आप यहां पर कंफ्यूज हो गए कि HDFC बैलेंस फंड लूं कि टाटा बैलेंस फंड लूं, तो आप यहां पर रिस्क मेजर को देख सकते हो।
कैसे मैं आपको बताता हूँ। अब वहाँ पे बीटा क्या था, मेरे हिसाब से था उसका बीटा 0.88, यहाँ पे है बीटा 0.90। तो बीटा के मामले में HDFC बैलेंस फंड पे आप एक टिक लगा सकते हैं। वहीं पर अगर अल्फा की बात करें तो अल्फा वहाँ पर था 6.31 और यहाँ पर अल्फा है 4.02, यानी कि ये ज़्यादा रिस्क ले रहा है, ज़्यादा बीटा है, ज़्यादा रिस्क ले रहा है और अल्फा भी इसका कम है। वहीं पर जो HDFC बैलेंस फंड है वो कम रिस्क ले रहा है 0.88 और उसका यहाँ पर अल्फा भी ज़्यादा है 6.31, यानी कि वो कम रिस्क लेके आपको जो है वो ज़्यादा रिटर्न यहाँ पर निकाल कर दे रहा है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं, इसके साथ साथ शार्पे रेशो को भी आप कंपेयर कर सकते हैं। यहाँ पर शार्पे रेशो है 0.64 और HDFC बैलेंस फंड का था शार्पे रेशो शायद 0.89, तो वहाँ पर शार्पे रेशो भी ज़्यादा है। तो इसलिए मैंने बताया कि शार्पे रेशो जब दो फंड को आप कंपेयर करते हैं तो आप यहाँ पर काम में ले सकते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन 10.82। तो ये था जो था दूसरा फंड टाटा का बैलेंस फंड। अब जो तीसरा फंड यहाँ पर आता है वो है आदित्य बिरला सन लाइफ बैलेंस 95 फंड, काफ़ी पुराना फंड, ये भी शायद 1995 का है। यहाँ पर कुछ बेसिक डिटेल की बात करें तो बेंचमार्क वही क्रिसिल बैलेंस फंड, एग्रेसिव टाइप ओपन एंडेड भाई फंड है, किसी भी प्रकार का आपको रोक टोक यहाँ पर नहीं है। रिटर्न की बात करें जब से चालू हुआ है तो 21.21% का रिटर्न यहाँ पर निकाल दिया है, वो काफ़ी यहाँ पर ज़्यादा है। यहाँ पर मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो आप लमसम भी इसमें 1,000 रुपये डाल सकते हैं, SIP भी मिनिमम 1,000 है और एडिशनल इन्वेस्टमेंट भी आप इसमें अगर चाहें तो 1,000 रुपए का कर सकते हैं। एग्जिट लोड की बात करें तो एग्जिट लोड वही 1% का रहता है अगर आप यहां पर 1 साल के पहले पैसा निकालते हैं। परफॉर्मेंस की यहाँ पर अगर बात किया जाए तो यहाँ पर अगर परफॉर्मेंस देखेंगे तो 3 साल में 13.87, 5 साल में 18.11, 10 साल में 12.74, कैटेगरी के अपने आसपास। ये कैटेगरी है, बेंचमार्क नहीं है, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। कैटेगरी मतलब कि सारे बैलेंस फंड का कैटेगरी एवरेज, सारे बैलेंस फंड के कैटेगरी का जो रिटर्न है उनको हम मिला के एक एवरेज निकाल लिए वो है। रिस्क मेजर की बात करें और कभी भी आप ध्यान में रखो कि आप मेजर भी करते हो तो लोग क्या करते हैं अक्सर कि बेंचमार्क से कंपेयर कर लेते हैं। बेंचमार्क से आप कर सकते हैं लेकिन आपको जो है ये ध्यान में रखना चाहिए कि इसके लेवल का और फंड किस प्रकार का रिटर्न दे रहा है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर इस बार जो बेंचमार्क है उसको यहाँ पर हटाया हुआ है। अब यहाँ पर अगर बात करते हैं रिस्क मेजर का, तो रिस्क मेजर की बात की तो स्टैंडर्ड डेविएशन है 10.37, शार्पे रेशो 0.87, बीटा यहाँ पर आता है 0.89 और यहाँ पर अल्फा की बात किया जाए तो 6.07। वहीं पर जो कैटेगरी का अल्फा है वो यहाँ पर है 4.01। जो चौथा फंड आता है वो है भाई L&T इंडिया प्रूडेंस फंड। यहाँ पर अगर बात किया जाए तो L&T म्यूचुअल फंड की तरफ से आता है, अभी 2011 में ये फंड लॉन्च हुआ है। बेंचमार्क की बात करा जाए तो S&P यहाँ पर BSE 700 शॉर्ट टर्म बॉन्ड 30, ये दोनों इसका जो बेंचमार्क है वो है। वहीं पर टाइप की बात करें तो ओपन एंडेड है। रिटर्न यहाँ पर जब से दिया है जब से शुरू हुआ 15.28। मिनिमम इन्वेस्टमेंट आप यहाँ पर 5,000 रुपये के साथ लमसम एडिशनल यहाँ पर चालू कर सकते हैं। एग्जिट लोड की बात किया जाए तो 1% का वही है। परफॉर्मेंस की मैं आपको फटाफट बात बता देता हूँ, यहाँ पर 3 साल है, 3 साल में 14.74, 5 साल में 19.19, कैटेगरी की बात करें 11.13 और 15.81। रिस्क मेजर की बात किया जाए तो यहाँ पर जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो है 10.20, शार्पे रेशो है 0.95, बीटा 1 से कम काफ़ी अच्छा है 0.85 और यहाँ पर अल्फा आता है 6.88। जो पांचवा फंड आता है वो यहाँ पर आता है ICICI प्रूडेंशियल बैलेंस फंड। काफ़ी सारे लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि मैं HDFC फंड लूँ या फिर ICICI प्रूडेंशियल बैलेंस फंड लूँ। तो अब यहाँ पर इसकी कुछ बात करें ICICI प्रू बैलेंस फंड की, तो यहाँ पर बेसिक डिटेल आपको बता देता हूँ, आता है ICICI प्रू की तरफ से। लॉन्च डिटेल हुआ था यहाँ पर 1999 में। बेंचमार्क वही क्रिसिल बैलेंस फंड, एग्रेसिव टाइप है ओपन एंडेड। रिटर्न जब से चालू हुआ है 15.24% का यहाँ पर रिटर्न निकाल कर दिया है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट 5,000 रुपये के साथ आप यहाँ पर शुरू कर सकते हैं, लमसम है। वहीं पर अगर एग्जिट लोड की बात करें 1%। परफॉर्मेंस के यहाँ पर अगर बात किया जाए तो 3 साल में 14.05, 5 साल में 19.46 और पिछले 10 साल में 11.29। कैटेगरी की बात किया जाए तो कैटेगरी 10 साल में 9.10 है। वहीं पर अगर इस फंड के कुछ रिस्क मेजर की बात करा जाए तो यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन आता है 10.16, शार्पे रेशो 0.89, बीटा 0.85, 1 से कम काफ़ी अच्छा। अल्फा की बात किया जाए तो 6.24, अल्फा भी यहाँ पर इस जो फंड है ICICI प्रू बैलेंस फंड इसका अल्फा भी यहाँ पर काफ़ी अच्छा है। तो ये थे यहाँ पर टॉप 5 परफॉर्म करने वाले बैलेंस फंड जो पिछले काफ़ी समय से अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और आगे भी इनमें से कुछ यहाँ पर कंटिन्यू करने वाले हैं। हो सकता है एक दो ऊपर नीचे हो जाए लेकिन जो बाकी जो 2-3 हैं वो तो बिल्कुल करने वाले हैं।
हाँ तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि अब मैंने टॉप 5 फंड बता दिया तो आप ये पांचों को ही पांचों ही फंड यहाँ पर ले लें, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जो क्योंकि आपको यहाँ पर पिक करना है, पिक एक ही करना है, ज़्यादा से ज़्यादा आप दो कर सकते हैं, क्योंकि आपका जो डाइवर्सिफिकेशन का ऑब्जेक्टिव है वो यहाँ पर कंप्लीट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि रिसर्च बताती है कि अगर आप एक ही कैटेगरी के बार बार फंड लेते जाएंगे तो उससे यहाँ पर आपका स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो कम नहीं होगा, वो कम नहीं होगा तो वॉलीटिलिटी कम नहीं होगी, वॉलीटिलिटी कम नहीं होगी तो भाई आपका जो रिस्क है वो भी यहाँ पर कम नहीं होगा, का जो पैसा है वो पूरा का पूरा सेम 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 जगह पर यहाँ पर लगता रहेगा। तो आप यहाँ पर इन पांच में से अच्छा यहाँ पर आप एनालाइज कीजिए पांचों फंड्स को, अच्छे से अपने रिस्क प्रोफाइल को देखिए, आप अपने इन्वेस्टमेंट हॉरिजन को देखिए, आप कितने समय तक पैसा लगाना चाहते हैं, इसके साथ साथ आप यहाँ पर अपना इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव देखिए कि आपका क्या इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है, क्या आपका गोल है, ये सबको देखते हुए आपको जो आपका जो टॉप बैलेंस फंड है वो यहाँ पर सेलेक्ट करना है। अगर आपके मन में अभी भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर कोई सजेशन सुझाव है तो भी आप मुझे नीचे कमेंट्स कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फैमिलीज़ के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि और भी लोगों को यहाँ पर पता चले। और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम यहाँ पर म्यूचुअल फंड और बैंकिंग से रिलेटेड वीडियोज़ लाते रहते हैं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ आपसे अपने किसी और वीडियो के साथ में।